गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अलीशा फाउंडेशंस के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं शान सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर उपस्थित रहता हूं, तो आज की जो हमारी कड़ी है वो है एमएस एक्सेस की क्लासेस की। और एमएस एक्सेस में आज हम क्लास करेंगे सेकेंड क्लास। तो आज एमएस एक्सेस के अंदर एक सिंपल डाटा फील्ड को कैसे क्रिएशंस किया जाता है उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एमएस एक्सेस को ओपन कर ले। तो एमएस एक्सेस को सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं, देखेंगे कि एमएस एक्सेस को अगर हम ओपन करते हैं तो आपको एमएस एक्सेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी। ये जो डायलॉग बॉक्स है ये जो खुलेगी तो यहाँ पे इनएक्टिव डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ होता है एमएस एक्सेस होता है क्या। तो एमएस एक्सेस होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट, अगर किसी भी डाटा को मैनेजमेंट करना हो तो हम लोग एमएस एक्सेस से बेहतर सॉफ्टवेयर और कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस बनाएंगे। तो यहाँ ब्लैंक डाटाबेस में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो डाटाबेस आप बना रहे हैं ना उसका फाइल दीजिए। तो अभी देखेंगे कि सबसे ऊपर में तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही है, टाइटल बार में कुछ दिख नहीं रहा है, दिख रहा है सबसे ऊपर में। अभी हमको डाटाबेस अगर फाइल बना रहे हैं, यानी कि मान लीजिए सेकंड क्लास का, कैसे का सेकंड क्लास का एक नाम दे दिया कि सेकंड क्लास हो रहा है, और जैसे क्रिएट करेंगे तो एक डाटाबेस फाइल हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। सेकेंड क्लास डाटाबेस फाइल देख रहे हैं ना, डाटाबेस सेकेंड क्लास डेटाबेस बन जाता है। अब हमारा सर्वप्रथम है कि किसी भी डेटा को बनाने के लिए हमको एक फील्ड की आवश्यकता होती है। फील्ड का मतलब जहाँ पे किसी भी डेटा को हम इनपुट करेंगे, तो इनपुट जो करेंगे तो उस फील्ड होना चाहिए जहाँ पे हम इनपुट करना चाहेंगे। तो सबसे पहला चीज़ अगर हमको फील्ड बनाना हो तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे टेबल्स जो यहाँ पे बनी हुई थी है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ से व्यू पे जाएंगे और वहाँ से डिजाइन व्यू लेंगे। अब जैसे डिजाइन व्यू लेंगे तो टेबल वन होगी, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ओके करते हैं तो जो फर्स्ट एरिया है हमारा, फर्स्ट एरिया जिसमें यहाँ फील्ड नेम एंड डेटा टाइप्स दिख रहा है ना, आप इसको छोड़ दीजिए। इसको यहाँ पे आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं सबसे पहला चीज़ सेकंड में। किस में चलते हैं हम लोग, सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड में हम लोग चलते हैं, सेकंड में सबसे पहला एक चीज़ हम दे देते हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट। क्या दे रहे हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। इसे हम किसके अंदर रखते हैं, टैक्स के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रोल नंबर क्या दे रहे हैं, रोल नंबर दे रहे हैं। ये रोल नंबर को भी हम लोग क्या करते हैं, नंबर में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, यहाँ से नंबर में दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देते हैं एड्रेस, ए डबल डी आर ई एस एस, एड्रेस देते हैं। ये हम लोग का टैक्स में रहेगा। ठीक है, एड्रेस हमारा हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम लोग मोबाइल नंबर दे रहे हैं, मोबाइल नंबर अगर हम लोग दे रहे हैं, ये नंबर के अंदर हम लोग टैक्स, देखिएगा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग टैक्स में रखते हैं या तो नंबर, जैसे हम लोग नंबर में लेते हैं तो नंबर में तो हम लोग जानते हैं कि 9 डिजिट होता है, बट हम लोग क्या करेंगे टैक्स पे ही रखेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट मार्क्स पे देख रहे हो ना, यहाँ पे इनपुट देख रहे हो ना, इनपुट मार्क्स में जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 डॉट्स से यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एस करेंगे। ठीक है, जैसे एस करेंगे तो यहाँ से आपका जो डिजिट आएगा, जो डिजिट है मोबाइल नंबर का जो फॉर्मेट है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर में कितनी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पे कितने फॉर्मेट में, 2, 4, 6 और 3, 9 नौ फॉर्मेट में होता है। मगर यहाँ पे देखिए कितने भी फॉर्मेट में आता है, यहाँ पे जिप कोड के साथ होता है। तो ये वाले फॉर्मेट्स क्या करना है, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स पे हम लोग सेट करेंगे और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे करना है। और यहाँ पे हम लोग जो नंबर यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर पे रखना है। ठीक है, नीचे वाला और नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। तो ये नंबर में हमारा मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर होता है, 0 तो कोई ना लगाइएगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, फादर नेम लिखते हैं।
ये भी हम लोग टैक्स पे रखते हैं, पहले तो नंबर पे रखते थे, अब टैक्स पे रखे, मोबाइल नंबर को भी हम टैक्स पे रखे, क्योंकि फॉर्मेट को हम सेट कर चुके हैं, जो मोबाइल नंबर हमारा फॉर्मेट था वो एक्चुअली में हम सेट कर दिए, फादर्स नेम और मदर नेम, यही है, यहाँ पे हम टैक्स पे रख देते हैं। यहाँ तक हमारी फील्ड क्रिएट हो गई। अब इस फील्ड में हम लोग को यह करना है, ये जो व्यू शो हो रहा है यहाँ पे व्यू, इस व्यू पे क्लिक कीजिए, या तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कर सकते हैं, जैसे हमने कल की वीडियो में क्या दिखाया था, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करना है, बट अगर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर आप नहीं करते हैं तो आप यहाँ व्यू में आप क्लिक करेंगे तो क्या बोलेगा यहाँ पे, यू मस्ट फाइल सेव द टेबल्स, यहाँ पे बोलेगा डू यू वांट टू सेव दिस टेबल नाउ, यस हमको सेव करना है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता था, मगर यहाँ पे जैसे व्यू में करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, एस करना है, जो एस जैसे करेंगे तो इसी तरह का देखिए आपके यहाँ पे फॉर्मेट खुल जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे फॉर्मेट खुल गया। अब यहाँ पे इस फॉर्मेट में आप क्या कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो अपने क्या करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, जितना भी आपका टैक्स का लेंथ है उसके हिसाब से वो क्या कर लेगा, एडजस्टमेंट कर लेगा, क्या कर लेगा बेटा, एडजस्टमेंट कर लेगा, एडजस्टमेंट कर लिया। अब चाहते हो कि मेरा जो हेडिंग है, जो मेरा फील्ड है, ये वाला फील्ड थोड़ा सा बोल्ड हो तो यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए तो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ कलर में करना चाहते हैं, यहाँ इस फील्ड को कलर में करना चाहते हैं तो कलर में कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ कलर भी कर सकते हैं। तो फील्ड हमारा बोल्ड हो गया, कलर में हो गया। अब इसके अंदर हम लोग डेटा को फील करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डेटा का फील। तो यहाँ पे बोला नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट पे अगर हम लिखते हैं राजू, राजू कुमार दास लिखे, और रोल नंबर हम लोग 0110 दे दिए, और एड्रेस हम दे रहे हैं बारसोई, कहाँ गाँव है, तलवा चौक नजीक, तलवा चौक। अब देखो यहाँ पे तलवा चौक तो नहीं ले रहा है ना, यहाँ पे तो जगह तो स्पेस ले रहा है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस वाले इसमें तो ऑटोमेटिक ले लिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फॉर्मेट करते हो 9631882905, तो ये क्या होगा, फॉर्मेट मिलेगा, क्या लेगा, फॉर्मेट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे देखो 9631882905 ये फॉर्मेट में ले रहा है, तो यहाँ पे अब उसी फॉर्मेट में ले रहा है जो फॉर्मेट होता है, क्योंकि एक डिजिट हम जानते हैं कि जिप डिजिट होता है वो मेन होता है। यहाँ पापा का नाम, राजू का पापा का नाम क्या है, सुभाष दुलाल चंद्र दास मान लीजिए। यदि हम यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो अपना जगह ऑटोमेटिक लेंथ को क्या कर लेगा, एडजस्टमेंट करेगा। मम्मी का नाम क्या है, सुचित्रा दास, क्या सुचित्रा दास, ये अगर आपको लिए ये कर दिया, डेटा हमारा ऑलरेडी फिट हो गया। अब बोल रहे हैं कि सर कि ये डेटा हमारा क्या फिक्स रहता है, जी हाँ, जब भी आप फाइल जब क्रिएट करते हैं, जब स्टार्टअप में जब एमएस एक्सेस की बात करते हैं, वहाँ से हम लोग जब जिस चीज़ को डेटा लेते हैं उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, तो उसी समय वो डेटा सेव हो जाता है। अगर आप मान लीजिए इसको क्लोज कर दिए, यहाँ से क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, अब कल आप आते हैं, क्या करते हैं, कल आते हैं और कल हमको डेटाबेस में काम करना है, तो कहाँ से करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस को निकालेंगे, क्या करेंगे, फिर से हम लोग एमएस एक्सेस को निकालेंगे, एमएस क्या निकालेंगे, एमएस एक्सेस को निकालेंगे, एमएस एक्सेस निकल गया। अब हमको नया फाइल नहीं बनाना है, जो फाइल जो हमारा बना हुआ था उसमें, तो यहाँ सबसे पहला चीज़ है, यहाँ पे जो तरीका था हमारा, जो कौन सा तरीका था, ओपन करने का जो तरीका था, हम लोग जो पढ़ते आए हैं तो ओपन तरीका है, यहाँ पे ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे और यहाँ से तो ओपन लिखा हुआ ही है, अगर ओपन यहाँ से कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे रिसेंट फाइल खुलेगा आपका, ओपन योर रिसेंट डाटाबेस फाइल, ठीक है, तो यहाँ से आप रिसेंट डाटा फिल फाइल में क्या है, सेकंड क्लास निकलेंगे और यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका डाटा ऑलरेडी वहाँ पे सेव किया हुआ ऑलरेडी खुल जाएगा, क्लियर। अब बोलेंगे सर यहाँ पे कुछ डाटा को और इंक्लूड करना था मुझे, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है कि व्यू के अंदर जाकर आप लोग को यहाँ पे डिजाइन व्यू में आएंगे तो आपका जो नेक्स्ट जो हमारा फील्ड था वो फील्ड हमारा खुल गया। अब चाहते हैं सर इस फील्ड के अंदर हमारा और डाटा होना चाहिए, अब डाटा में जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए मैथ होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, मैथ, इंग्लिश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी होना चाहिए, ठीक है, मैथ इंग्लिश हिंदी, ठीक है, साइंस होना चाहिए, ठीक है, और कुछ देना संस्कृत SNK होना चाहिए, ठीक है, टोटल होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए और मान लीजिए डिवीजन होना चाहिए, यही है ना। अब ये जो देखिए डिवीजन तो टैक्स में रहता है, परसेंटेज नंबर में रहता है, टोटल नंबर में रहता है, जितनी भी डेटा क्या रहती है नंबर में रहती है, यहाँ तक नंबर में रहता है,
ये हम डाल दिए। डालने के बाद हम लोग क्या करना है, फिर से या तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कीजिए या तो आप व्यू में डायरेक्ट क्लिक कीजिए, व्यू में क्लिक कीजिएगा, यस कीजिएगा, तो ये जो फील्ड है ऑटोमेटिक ये फील्ड देखिए फिर से बनकर आ गया है यहाँ पे। अब सोचते अब मैथ में मान लीजिए ये 70 लाया, इंग्लिश में लाया 50, हिंदी में हम लोग 50 लाएँ, ऐसे करके आपको क्या करना है डाटा को भरना है। तो आप लोग को डाटा को कब तक भरना है, जो सब्जेक्ट तक, टोटल परसेंटेज डिवीजन को आपको छोड़ देना है। अब देखिए डिवीजन में तो हमारा स्पेलिंग गलत हो गया ना, वहाँ पे कैसे सुधारेंगे, व्यू में जाके फिर से डिजाइन व्यू में आएंगे और यहाँ पे आकर डिवीजन में, यहाँ पे आप डिवीजन कर सकते हैं और फिर क्या करना है व्यू में आकर यस करेंगे। तो डाटा को हम लोग क्या सीखे, एक तो एडिट करना भी सीख रहे हैं, डाटा के फील्ड को बढ़ाना भी सीख रहे हैं और इनपुट करना भी डेटा को सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ को कम्प्लीट करना है। तो आज हमने क्या सीखा, एक डाटाबेस फाइल को कैसे बनाते हैं, एमएस एक्सेस को कैसे ओपन करते हैं, डाटाबेस फाइल को कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम लोग फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, फील्ड के अंदर हम लोग कैसे डाटा को एंटर करते हैं, साथ ही साथ फील्ड हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं या चेंज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ क्लासेस हुई। ये डाटा कम से कम आपको कितने बनाना है, 20 बनाना है। जब हम डाटा बना लेंगे तो हमारा काम होता है पार्ट टू कैलकुलेशंस का, कि हम कैलकुलेशंस कैसे करें, क्योंकि कैलकुलेशंस में हमारा यहाँ पे दिया गया है कि कैलकुलेशंस में हम लोग कर सकते हैं टोटल परसेंटेज डिवीजन का कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ को हमको जानकारी करना है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग को एट फर्स्ट कल क्या करना, आकर ये डेटा फील्ड को बनाकर 20 एंट्री करके रखिएगा, ठीक है, हो जाएगी ना। चलिए तो देखिए बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सांसर पहली बार 13 साल के अंतराल के बाद पहली बार हमारे जितने भी कोर्सेस हो रही थी उसमें सारे कोर्सेस में हमने अपने फ़ी को ड्रॉप डाउन किया है। मात्र 400 रुपये मासिक शुल्क में आप किसी भी प्रकार की कंप्यूटर क्लासेस आप हमारे यहाँ कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ, खुश रहे आप, आपका परिवार, दीजिए इजाज़त सांसर को, खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए, आपका सांसर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।